नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना पके हुए अंडे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी अंडे को बिना पकाए खाने की बात सोची है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अंडे को उसके नेचुरल रूप से उसी तरह खाने के ढेरों फायदे होते हैं। अंडे को बिना पकाए खाने में उसमें मौजूद विटामिन, ओमेगा 3, जिंक, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, जो कई बार पकाने के दौरान या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर उससे मात्रा नहीं मिल पाती है जिस रूप में मिलना चाहिए। अंडे को उसके मूल रूप से खाना थोड़ा अलग हो सकता है, और अलग ये आपके लिए पहला मौका है तो आपको ख़राब भी लग सकता है। पर अगर आपने कच्चा अंडा खाने का फैसला कर लिया है तो सबसे पहले अंडे को अच्छी तरह साबुन से धो लीजिए। इससे क्या होगा कि इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। खाने पीने की किसी भी चीज़ को आजमाने के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी खाए वो नियंत्रित मात्रा में हो। अति किसी भी चीज़ की बुरी हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से ही सेवन करें। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अंडे के फायदों के बारे में। पहला है, आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कच्चा अंडा पकाए गए अंडे की तुलना में कम सक्रिय होता है। कई बार ऐसा होता है कि पकाने के दौरान अंडे में मौजूद प्रोटीन की मूल संरचना बदल जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है, कच्चा अंडा विटामिन का खजाना होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी मौजूद होता है। कच्चा अंडा खाने में एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है और इससे दिमाग भी तेज होता है। तीसरा है, अंडे में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, साथ ही शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की मात्रा की पूर्ति भी इससे हो जाती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उसे कच्चा अंडा दे सकते हैं। इससे मांसपेशियों को ताकत मिलती है और शरीर एकदम स्वस्थ होता है। अगला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो शरीर के लिए बेहतर होता है और दूसरा वो जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कोशिकाओं और हार्मोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अंडे से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा होता है। अगला है, अंडे के पीले भाग में बायोटिन मिलता है जो बाल और त्वचा को मजबूती देने का काम करता है। अंडे के पीले भाग को बालों में लगाने से बाल कोमल मुलायम होते हैं, साथ ही बाल लंबे और घने भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे अंडे के फायदे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।